हे व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे आप लोग। तो फ्रेंड्स, एनसीबी पिक्चर्स ने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे ये वाली पिक अपलोड की थी। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कुछ इसी तरह की एडिटिंग, जो कि बहुत ही कुछ स्टेप्स में हो जाएगी, बहुत ईजी है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एनसीबी पिक्चर्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो उसकी आईडी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे जाके फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझे भी फॉलो नहीं करते हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ जाके फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे आपको मैं बताते रहता हूँ कि लेटेस्ट एडिटिंग कौन सी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे का आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा ना वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने पिक्सआर्ट के अंदर, और आपको जो इसमें मैं जितनी भी चीज़ें यूज़ करूँगा, बैकग्राउंड, पीएनजी, उन सभी की लिंक आपको नीचे में मिल जाएगी, आप जाके उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें आपको इसको एफएक्स में जाना है, और यहाँ से आपको इसे कर देना है ब्लर। ठीक है, मैं इस तरह से यहाँ से कर देता हूँ ब्लर। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपने अपने मॉडल को फ़ोटो को ले लेना है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ अपने मॉडल की फ़ोटो को। तो हमारी मॉडल की फ़ोटो जो है कुछ इस तरह की है। ठीक है, तो भाई आपको सिंपल से इस पर करना क्या है कि इरेज वाले बटन पे जाके आपको इसे सिंपल से साइड साइड इरेज करना कर लेना है। अगर आपको नहीं करना है तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। तो मैं आप इसका मतलब पहले इरेज करके रखा हूँ बैकग्राउंड, तो मैं उसे ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने बैकग्राउंड को इरेज करके और अपनी फ़ोटो को कुछ ऐड करके कुछ इस तरह से आपकी लुक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें सिंपल से करना क्या है कि सबसे पहले आपको ब्यूटी वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से आपको स्किन टोन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सबसे इधर ब्राइट वाले को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको फेस के एरिया पे चला लेना है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी चला लेता हूँ उसको फेस का एरिया पे। तो हम इसकी कुछ ऑपेसिटी को ज़्यादा कर देंगे, हार्डनेस को भी ज़्यादा कर देंगे, तो कुछ हम इस तरह से अपने फेस पे चला लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी चला लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारी फेस बहुत डार्क थी इसलिए, और अभी देख सकते हैं कितनी अच्छी हो गई है। तो आपको इस तरह से चला लेना अपने फेस पे। तो मैंने चला लिया, और उसके बाद आपको यहाँ से कर देना है डन। और फ्रेंड्स, उसके बाद आपको ये स्मूथ वाले टूल्स में जाना है, और इसमें जाने के बाद जो है फ्रेंड्स, आपको अपने फेस पे चला लेना है। ठीक है, तो जिससे कि हमारी फेस स्मूथ हो जाएगी। तो इस तरह से आपको चला लेना है इसके फुल 100 करने के बाद। ठीक है, इस तरह से आपको चला लेना है बिल्कुल अच्छे से। तो फ्रेंड्स, हमारी देख सकते हैं पिक कितनी अच्छी स्मूथ हो रही है, और बहुत ही अच्छी लुक हमारे पिक में आ जाएगी अभी देखें। ठीक है, तो हम इस तरह से चला लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे डन। ठीक है फ्रेंड्स, उस तरह से डन कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे अपने एड फोटो वाले ऑप्शन में, और यहाँ से हम एक डस्ट पीएनजी को ऐड कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरह से हम उसको यहाँ से कर लेंगे एडजस्ट। और उसके बाद आपको यहाँ से एडजस्ट में जाके इसकी ह्यूज को सबसे पहले इसके बैकग्राउंड से मैच कराना है। तो हम इस तरह से इसकी बैकग्राउंड को ये कलर रहने देते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से डन कर लेंगे। और उसके बाद जो फ्रेंड्स, आपको यहाँ से जाना है ब्लेंड में, और इसको स्क्रीन कर देना है। ठीक है, तो हम इस तरह से कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से हम कर देंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ से कर देंगे डन। और उसके बाद फ्रेंड्स, हम जो है यहाँ से अपनी एक इसमें एफएक्स में जाके आपको यहाँ से इसमें थोड़ा एचडीआर इफेक्ट डालना है। तो हम यहाँ से जाएंगे एफएक्स में, और यहाँ से एचडीआर को फेड को इस तरह से ज़्यादा कम करके उसको कर लेंगे डन। तो हमारे पिक पे एचडीआर लुक आ जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको यहाँ पे एक और पीएनजी ऐड कर लेना है, एड फोटो पे जाना है, और उसके बाद आपको जो है एक म्यूजिक पीएनजी मिल जाएगी, आपको इसको भी ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से इरेज पे जाएंगे, और अपने फेस पर से जो है इसे इरेज कर लेंगे, इस तरह से हम इरेज कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे डन। तो देख सकते हैं कि हमारे पिक में कितनी अच्छी लुक आ गई है। उसके बाद आपको डायरेक्टली इसे कर लेना है सेव, और इसे लाइट रूम में ओपन आगे अपने लाइट रूम के अंदर, और हमने अपने यहाँ पे फोटो कर लिया ऐड। तो फ्रेंड्स, उसके बाद सबसे पहले आपको लेंस करेक्शन इसकी कर लेनी है ऑन, और उसके बाद आपको नॉइज रिडक्शन में जाना है, और यहाँ से आपको इस तरह से कलर रिडक्शन भी एंड नॉइज रिडक्शन को कर लेना है, बढ़ा लेना है। और उसके बाद थोड़ी सी शार्पनिंग बढ़ा लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पिक में कुछ शार्पनेस इफेक्ट आ जाएगी। और उसके बाद जो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से इसमें जाना है, इसकी डीएस जो है इस तरह से बढ़ा लेंगे हल्का सा, और इसकी बिगनेट को इस तरह से कर देंगे कम। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद जो फ्रेंड्स, आपको यहाँ से जाना है टेम्परेचर वाले टूल्स में। ठीक है, इसकी सबसे पहले थोड़ी सी टेम्परेचर को हम लो कर देंगे, और उसके बाद आपको मिक्स वाले टूल्स में जाना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो है हमारी रेड कलर की सेचुरेशन को कर देंगे कम। ठीक है, इस तरह से। तो सॉरी फ्रेंड्स, हम जो है हमने टेम्परेचर को यहाँ कुछ ज़्यादा ही लो कर दिया, तो हम इसको दोबारा प्लस
प्लस में कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से दोबारा मिक्स वाले टूल्स में जाएंगे और इसके रेड कलर की हम ह्यूज को कुछ पहले इस तरह से माइनस में कर लेंगे। सर फ्रेंड्स रेड कलर की इसको आपको प्लस में कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे और इसकी ल्यूमिनेंस भी बढ़ा देना है इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी ऑरेंज कलर है इसकी सैचुरेशन को हल्का सा इस तरह से कम करेंगे, बिल्कुल हल्का सा करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स और उसके ल्यूमिनेंस को इस तरह से हल्का सा इंक्रीज कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमारे पिक जो है बिल्कुल ही बैकग्राउंड से मैच हो गई है, तो देख सकते हैं कितनी अच्छी मैच हो गई है। और उसके बाद जो फ्रेंड्स आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, कोई भी टूल्स को आप छेड़ना नहीं है। उसके बाद आप यहाँ से कर देंगे डन। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो है ये सन वाले ऑप्शन में आएंगे, इसमें सबसे पहले इसके कॉन्ट्रास्ट को ज़्यादा हल्का सा कम करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं हल्का सा कम करना है। और इसके हाइलाइट्स को इस तरह से बढ़ा देंगे, हल्का सा बढ़ा देंगे। और उसके बाद इसके शेडोज को हम इस तरह से कम कर लेना है। तो फ्रेंड्स हम इस तरह से कर लेंगे हल्का सा कम शेडो को। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको इसको ब्लैक्स को ज़्यादा करना है इस तरह से हल्का सा, तो हमारे पिक में बहुत ही अच्छी लुक आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक आ गई है। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ से जाना है प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ से आर्टिस्टिक फाइव को यूज़ कर लेंगे हम इस तरह से कर लेंगे। और उसके बाद हल्का सा इसे कम कर देंगे इस तरह से, ठीक है, इस प्रोफाइल को हल्का सा कम कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे डन। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारी पिक पहले कैसी थी और अभी कैसी है। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ क्लैरिटी देने के लिए हम दोबारा यहाँ से जाएंगे बिगिनर वाले ऑप्शन में और इसकी क्लैरिटी को इस तरह से कुछ ज़्यादा हाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारी पिक कितनी अच्छी एडिट हो गई है और बहुत ही अच्छी इफेक्ट भी आ गई है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ स्टेप्स में आप अपना फोटो को इस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ गया हो, तो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो जल्दी से आके मुझे वहाँ पर फॉलो करो। और हाँ मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और बगल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।